नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड अपेरेंट एंगल ऑफ टेप. इसके ऊपर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आएगा. एनसीईआरटी में मैंने सुना है कि ये चैप्टर हट गया है, आप नेट से चेक कर लेना वैसे एक बार. तो कंपटीशन में मेन नीट पे एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप और अपेरेंट अर्थ है. तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो एक्चुअल में एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी पॉइंट से एंटर करती हुई यहाँ पे आती है और आप एक मेरिडियन बनाते हैं, तो उस मेरिडियन को क्या बोलते हैं, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, असली मैग्नेटिक मेरिडियन है क्योंकि इसमें असली लाइन पड़ी हुई है. अब कोई स्टूडेंट कहता है मैं एक इमेजिनरी मेरिडियन लेता हूँ इसके साथ, ये आपका एक्चुअल एंगल ऑफ ये एक्चुअल मेरिडियन है, आप इमेजिनरी मेरिडियन इसके साथ खड़ा कर दें, इमेजिनरी ऐसे. आप अगर ये पूछें कि अगर मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे चली जाती है और ट्रू एंगल ऑफ डिप बनाती है डेल्टा, तो फिर इसके अंदर अगर डिप पे रखा जाए तो वो भी तो बेंड होगी, तो वहां पर क्या एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप इमेजिनरी मेरिडियन में. तो एक्चुअल में तो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन यही है, ये इमेजिनरी है. इमेजिनरी को क्या बोलते हैं, अपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ट्रू के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ट्रू एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बन गया, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक एच और एक वी. और अपेरेंट के अंदर एच की वैल्यू क्या होगी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना एच ट्रू में निकालते हैं, अपेरेंट तो पता नहीं हमें. तो हम क्या करेंगे, ट्रू एंगल, ट्रू मेरिडियन और अपेरेंट मेरिडियन के बीच में एंगल्स क्या है, अल्फा. हम इस एच का कंपोनेंट ले लेंगे इसके ऊपर, जो कि क्या आएगा, एच कॉस अल्फा, एच कॉस अल्फा. वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए अंदर कॉमन है, इट विल रिमेन सेम. तो आपका डायग्राम अपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन का ऐसा बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच की जगह क्या हो गया, एच कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन टू मेरिडियंस. तो नया एंगल ऑफ डिप यहां पर क्या हो गया, डेल्टा डैश. तो नया एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश, टैन ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट वी डिवाइडेड बाय एच कॉस अल्फा. लेकिन वी अपॉन एच क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप, टैन डेल्टा. तो टैन डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आ गई, टैन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा. फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें कि ट्रू जो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश है वो ट्रू एंगल ऑफ डिप का टैन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा, फिर अल्फा इज एंगल बिटवीन टू मेरिडियंस, ये नोट करें. इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो जो ट्रू और अपेरेंट एंगल जो मेरिडियंस हैं उनके बीच में एंगल नॉर्मली 0 और 90 के बीच में रहता है. तो अगर ये 0 और 90 के बीच में है तो कॉस ऑफ एनी एंगल 0 और 90 के बीच में फ्रैक्शन आएगा 0 और 1 के बीच में आंसर. तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप जो नया आएगा वो पुराने एंगल ऑफ डिप से तो क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा. तो लिख लो कि अगर एंगल 0 90 के बीच में है तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ट्रू एंगल ऑफ डिप से बड़ा ही आएगा. नेक्स्ट है, यानी कि उसके अंदर जो नीडल है, अगर मान लो ट्रू एंगल ऑफ डिप में नीडल यहाँ पर है, नीडल यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर है, तो अपेरेंट में और नीचे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ताकि एंगल ऑफ डिप उसका बढ़ जाएगा, याद रखना है. नेक्स्ट है, अल्फा अगर 90 है दोनों मेरिडियंस में, अगर एंगल 90 है तो भाई कॉम्पोनेंट कहाँ ड्रॉ करोगे, बनेगा ही नहीं. तो अगर ये 90 है, कॉस 90 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उस केस में डेल्टा डैश डिफाइंड नहीं हो पाएगा. या कोई कोई लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस ऑफ 90 क्या है, जीरो, एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, टेन ऑफ डेल्टा डैश इन्फिनिटी, डेल्टा डैश 90. तो डेल्टा डैश का मतलब अपेरेंट मेरिडियन के अंदर ये एंगल डेल्टा डैश है, 90 का मतलब नीडल एकदम सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी. ठीक, तो इसके अंदर ये रिजल्ट भी लिखें, लिखा भी हुआ है, नीडल विल पॉइंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दैट केस. अब एक ये रिजल्ट लिख लें, ये रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास अर्थ है और अर्थ का ये इक्वेटर है और आप इस लोकेशन पे खड़े हुए हैं, इस लोकेशन के साथ इक्वेटर पे इसने एंगल क्या बनाया, लैम्डा. इस लैम्डा को बोलते हैं लैटिट्यूड का एंगल, लैटिट्यूड का एंगल लैम्डा. और यहीं पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लें और मेरिडियंस ड्रॉ करें तो ये एंगल ऑफ डिप भी बनेगा यहाँ पे.
तो एंगल ऑफ डिप उस पी पॉइंट पर और लैटिट्यूड इस पी पॉइंट पर ऐसे रिलेटेड होते हैं, टैन ऑफ डेल्टा इज टू टाइम्स टैन ऑफ लैम्डा। इसे नोट कर लें, हो सकता है ये कभी मार्क करने को आ जाए।